Hello everyone, a very good evening. This is Sudhan Shubharti, and we are discussing for uh, ecology ecology evolution, not only uh, sorry, evolution uh, population, co-evolution, and uh, some more important topics we will discuss in this <coughs> uh, session. IIT exam 2022 ke liye important topic, ke mein, log discuss karenge. दीज आर माई क्रीडेंशियल्स इकोलॉजी में पॉपुलेशन कोल्यूशन एंड एकोलॉजिकल अडेप्टशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे वट यू विल गेट एट अन अकेडमी प्लेटफॉर्म इज डेली लाइव क्लासेज वेयर यू कैन चैट विथ योर एडुकेटर इन डिस्कशंस आस्क योर डाउट एंड आंसर पोस्ट ऑल वाइद क्लासेज गोइंग ऑन यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज चलते रहते हैं वेयर यू कैन इवेल्यूएट योर प्रिपरेशन विथ रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेज ट टू विद अनलिमिटेड एक्सेस के साथ वेरियस अस्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट फ्री लाइव क्लासेस भी चलते रहते हैं जैसे मैं अभी ये सेसन फ्री यूट्यूब पर ले रहा हूँ लाइव क्लास के रूप में एंड इफ यू आर प्लानिंग टू सब्सक्राइब अन एकेडमी नॉट लिमिटेड टू बाई इट एग्जाम एनी टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड एस वी जीरो जीरो वन फॉर टेन परसेंट डिस्काउंट एंड फॉर आई एग्जाम टू ट्वेंटी टू के लिए अगर आप uh, आ, सोच रहे हैं तो आप वन मंथ से लेके ट्वेंटी फोर मंथ तक के कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट जिससे आने की संभावना रहती है इसमें कुछ uh, टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ होंगे हम लोग खास करके पॉपुलेशन क्या है मेटा पॉपुलेशन क्या है ये सारी चीज़ों हम देखेंगे डेमोग्राफी तो पॉपुलेशन क्या है पॉपुलेशन जनरली अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसीज़ ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम उसको हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं और ये दो तरह का हो सकता है मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन और पॉली स्पेसिफिक और मिक्स्ड पॉपुलेशन उसको बोलेंगे राइट मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन में पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ओनली वन स्पेसीज होगा वहाँ पे वन टाइप ऑफ स्पेसीज का पॉपुलेशन है तो मोनो स्पेसीज एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ मोर देन वन स्पेसीज हैं उसको हम लोग कम्यूनिटी uh, भी बोलते हैं या मिक्स्ड पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन है बहुत सारे अलग अलग स्पेसीज uh, के पॉपुलेशन वहाँ हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को हम लोग डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं राइट एंड द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन विद रेफरेंस टू एग्रीगेशन इंटरडिपेंडेंस फॉर द वेरियस फैक्टर्स गवर्निंग सच अ प्रोसेस को इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी राइट पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम क्या देखते हैं द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन विद रेफरेंस टू एग्रीगेशन इंटर डिपेंडेंस फॉर द वेरियस फैक्टर्स गवर्निंग सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड अ सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन कनेक्टेड बाई डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स उसको हम लोग बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन तो ये इंपॉर्टेंट का पॉइंट है मेटा पॉपुलेशन क्या है कि एक पॉपुलेशन यहाँ है दूसरा पॉपुलेशन यहाँ है ठीक है और इस कम्यूनिटी में और ये दोनों इंटर कनेक्टेड है सर्टेन स्पार्स रिसाइडिंग uh, इंडिविजुअल uh, से तो इसको हम लोग बोलेंगे मेटा पॉपुलेशन राइट तो हम यहाँ पे जो आप एक फिगर देख रहे हैं ये मेटा पॉपुलेशन का है जो फ़िश में हम दिखा रहे हैं यहाँ पे ये यह, फिशरीज़ um, में ये बहुत ही इंपॉर्टेंस के होते हैं मेटा पॉपुलेशन द लोकल पॉपुलेशन लोकल पॉपुलेशन आपका वन जो है ये लोकल पॉपुलेशन है एक फर्स्ट uh, कही ये ए बी सी जो है अलग अलग सब स्पीसीज़ हैं Um, route now the local population serves as a source for hybridization with surrounding subspecies population just say one a one b and one c and the population are normally spatially separated and independent but spatially or spatial overlap during breeding times allow for gene flow between the populations now ये एक पॉपुलेशन है सपोज यहां पे ही देखें वन ए एक पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि पर्टिकुलर एरिया में रिसाइड कर रहा है पर्टिकुलर टाइम पे ठीक है देखें इंटरब्रीड टू ईच अदर ये एक पॉपुलेशन है ये खुद से इंटरब्रीड कर रहा है टू ईच अदर ये भी इंटरब्रीड कर रहा है बट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन या ऑप्टिमम कंडीशन में क्या हुआ इस सब एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे और एक दूसरे से फ्रीली इंटरब्रीड करेंगे ठीक है तो ये जो इंटरब्रीडिंग का हो रहा है ये जो पॉपुलेशन है इससे इंटरकनेक्टेड है इसे हम बोलेंगे मेटा पॉपुलेशन ओके तो ये हो गया आपका मेटा पॉपुलेशन नेक्स्ट इज पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन में आता है सबसे पहला डेंसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पेसीज पर यूनिट एरिया एट अ गिवेन टाइम उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं एंड इट रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करता है साइज को डिटरमाइन करता है द साइज और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाई अवेलेबल रिसोर्सेज लाइक न्यूट्रिय वाटर नेटेलिटी मोर्टेलिटी एंड एज स्ट्रक्चर ये सब के सब इसको डिटरमाइन करेंगे ओके okay? द फर्स्ट वन इज नेटेलिटी नेटेलिटी क्या है द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन अंडर इनवायरमेंटल कंडीशन उसको हम लोग नेटेलिटी बोलते हैं या फिर इसी को बर्थ रेट भी बोलते हैं ठीक है और मैक्सिमम नेटेलिटी अचीव्ड अंडर आइडियल कंडीशन उसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल बायोटिक पोटेंशियल क्या हुआ दूसरे अर्थ में ये बोलें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में इमेंस पोटेंशियल होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर में ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करे ठीक है तो ये इमेन्स पोटेंशियल टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स इज नोन एज बायोटिक पोटेंशियल नाउ नेटेलिटी के बाद हम एक टर्म पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं नेटेलिटी रेट नेटेलिटी रेट क्या है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट टाइम इन ह्यूमन बींग उसको बोलते हैं नेटेलिटी रेट या बर्थ रेट बोलते हैं और ये जो नेटेलिटी रेट है ना ये कैलकुलेट किया जाता है पर थाउजेंड इंडिविजुअल्स पर ईयर ठीक है पर थाउजेंड इंडिविजुअल्स पर ईयर के रूप में नेटेलिटी रेट को हम लोग डिफाइन करते हैं उसी तरीके से मोर्टेलिटी क्या हुआ ठीक इसका उल्टा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन अंडर गिवन इनवायर कंडीशन को हमने क्या बताया नेटेलिटी और मोर्टेलिटी क्या हुआ लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स किसके कारण ड्यू टू डेथ इन अ पॉपुलेशन अंडर गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशन उसको हम लोग बोलेंगे मोर्टेलिटी एंड द मोर्टेलिटी रेट इसको बोलेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग ओवर अ टाइम पीरियड उसको हम लोग बोलते हैं मोर्टैलिटी रेट नेक्स्ट इज वाइटल इंडेक्स वाइटल इंडेक्स क्या है इट इज द परसेंटेज इंडेक्स ऑफ नेटेलिटी इन रिलेशन टू मोर्टेलिटी इंडिकेटिंग द नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन उसको बोलेंगे वाइटल इंडेक्स और वाइटल इंडेक्स को हम लोग मैथमेटिकली uh, कैसे फॉर्मुलेट करेंगे नेटेलिटी डिवाइडेड बाई मोर्टैलिटी इन टू हंड्रेड दिस इज वाइटल इंडेक्स नाउ कम्स एज स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो तीन तरह के इकोलॉजिकल एजेस हम देखते हैं एक को बोलते हैं यानी कि एज ग्रुप जो है ये क्या करेगा कि रिप्रोडक्टिव स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन को डिफाइन करेगा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है डिक्रीजिंग पॉपुलेशन है या फिर कांस्टेंट पॉपुलेशन होगा उसका प्रेडिक्ट फ्यूचर भी हम लोग इसी से करते हैं एज स्ट्रक्चर से तो ये जो होगा थ्री इकोलॉजिकल एजेस के आधार पर हम ये डिटरमाइन करते हैं एक बोलते हैं एज में कि प्री रिप्रोडक्टिव एज के पॉपुलेशन कितने हैं रिप्रोडक्टिव एज वाले के पॉपुलेशन कितने हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले का पॉपुलेशन कितना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन ग्रोथ एज ग्रुप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या इन्फ्लुएंस करेगा पॉपुलेशन ग्रोथ को इफ मोर यंग मेंबर्स देन पॉपुलेशन ग्रो रैपिडली इफ मोर ओल्ड मेंबर्स देन पॉपुलेशन डिक्लाइन रैपिडली ओके यस वेलकम मिस्टर श्रीकांत इस मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर और इट अकर्स इन टू फॉर्म्स पहला तो हो गया इमिग्रेशन और दूसरा इमिग्रेशन की बात करते हैं इमीग्रेशन आई फॉर इंट्री तो परमानेंट इंट्री ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स इन टू अ पॉपुलेशन एक पॉपुलेशन है और न्यू इंडिविजुअल इसमें एंट्री किया दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन तो न्यू इंडिविजुअल्स अगर पॉपुलेशन में इंट्री करते हैं तो पॉपुलेशन का साइज़ विल इंक्रीज तो इमिग्रेशन इंक्रीजेज द पॉपुलेशन साइज सेकेंड इज एमिग्रेशन परमानेंट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आउट ऑफ अ पॉपुलेशन को बोलते हैं इमीग्रेशन एंड इट इट डिक्रीजेज पॉपुलेशन साइज बट स्प्रेड स्पेसीज टू न्यू एरिया क्या है कि कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ से उठ के किसी दूसरे जगह चले गए और वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए तो यहाँ भले ही यहाँ से पॉपुलेशन तो डिक्रीज होगा यानी इमिग्रेशन हो गया लेकिन ये जो इंडिविजुअल यहाँ से गए वो किसी दूसरे जगह लोकलाइज होंगे किसी दूसरे जगह जाकर के फ्लडिस करेंगे राइट right. तो इमिग्रेशन क्या करेगा डिक्रीज करेगा पॉपुलेशन साइज को लेकिन स्प्रेड स्पीसीज टू न्यू एरिया इस स्पीसीज को नए एरिया में स्प्रेड करेगा प्लान डो नॉट सो एक्टिव इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन बिकॉज उसमें लोकोमोशन नहीं होता है एज दे आर इन कैपेबल ऑफ लोकोमोशन चेंज इन पॉपुलेशन की परिभाषा जो मैथेमेटिकल इक्वेशन हम लेंगे वो ये कहेंगे कि बर्थ प्लस इमीग्रेशन ये क्या करेगा ये दोनों मिल करके पॉपुलेशन के साइज़ को इनक्रीज़ करेगा एंड डेथ प्लस इमीग्रेशन क्या करेगा पॉपुलेशन के साइज़ को डिक्रीज़ करेगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मेरा चेंज इन पॉपुलेशन होगा ठीक है अगर डेथ प्लस इमिग्रेशन का आ, जो नंबर है वो ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली द पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा ठीक है तो उसको हम लोग एक फॉर्मुलेट करते हैं एन टी इज इक्वल टू बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई ठीक है जहाँ पे एन टी क्या है चेंज इन पॉपुलेशन साइज बी बर्थ आई इमिग्रेशन डी डेथ एंड ई फॉर इमिग्रेशन यस वेलकम नीरज पॉपुलेशंस फोर मेन फैक्टर से अफेक्ट होता है ठीक है ये जो हमने पीछे बताया पॉपुलेशन आपका पहला हमने क्या बताया इमीग्रेशन दूसरा है नेटेलिटी मोर्टेलिटी तीसरा आपका ये पहला नेटेलिटी सेकेंड मोर्टेलिटी थर्ड इमीग्रेशन एंड फोर्थ इमीग्रेशन तो देखिए ये दोनों मिल करके पॉपुलेशन के साइज को प्लस दिया है यानी बढ़ाएंगे और ये दोनों मिलकर के पॉपुलेशन के साइज को डिक्रीज करेंगे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे नेटेलिटी बर्थ ज्यादा होगा तो उसके कारण नेटेलिटी मोर्टेलिटी पॉपुलेशन का डेथ होना या तो सेनेसेंस के कारण प्रिडेशन के कारण डिजीज के कारण ठीक है किसी कारण से ये फॉर्मूला हमने देखा दोनों केस में पॉपुलेशन का अगर हम ग्रोथ का साइज देखें अगर इमीग्रेशन सॉरी इमिग्रेशन प्लस नेटेलिटी यानी बर्थ रेट ठीक है <coughs> ये क्या है बर्थ रेट और ये इमिग्रेशन ये अगर ज़्यादा है इमिग्रेशन एंड मोर्टेलिटी से द ग्राफ विल बी दिस वन ठीक है तो ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को से शो कर रहा है पॉपुलेशन का साइज क्या होगा इंक्रीज करेगा अगर इमिग्रेशन प्लस नेटेलिटी लगभग इक्वल होगा इमिग्रेशन प्लस मोटेलिटी के द पॉपुलेशन विल बी स्टेबल और ये स्टेबल पॉपुलेशन का निशानी शो कर रहा है ग्राफ उसी तरीके से अगर इमीग्रेशन प्लस नेटेलिटी विल बी लेस देन इमिग्रेशन प्लस मोर्टेलिटी द पॉपुलेशन साइज विल डिक्लाइन अल्टीमेटली इट विल डिक्रीज ठीक है नेक्स्ट इज एज का पिरामिड हम लोग देखते हैं मॉडल रिप्रेजेंटिंग जियोमेट्रिकली द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इन द पॉपुलेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म उसको हम लोग क्या बोलते हैं एज पिरामिड राइट right? एंड ये एज पिरामिड विथ ब्रॉड बेस तीन तरह का जनरली हम लोग लेते हैं एज पिरामिड विथ ब्रॉड बेस दूसरा हो गया बेल सेब्ड कर्व और तीसरा ये को बोलते हैं जनरली <coughs> तो इस केस ब्रॉड बेस का मतलब क्या हुआ कि प्री रिप्रोडक्टिव एज के पॉपुलेशन कहीं ज्यादा है रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले पॉपुलेशन से तो इस इस कंडीशन में हम बोलें कि यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है द पॉपुलेशन विल बी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होगा ये ठीक है अगर ये बेल सेप्ट मिलेंगे हमको यानी पिरामिड शिप्ट मिल रहा है यानी कि ये आपका जिसमें बेस आपको प्री रिप्रोडक्टिव को शो करेगा बीच मिडल वाला रिप्रोडक्टिव को और अपर पार्ट पोस्ट रिप्रोडक्टिव को शो करेगा तो पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को शो करेगा पिरामिड विथ ब्रॉडबेस हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स एंड इन रैपिडली ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन बर्थ रेट इज हाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ में भी एक्सपोनेंशियल हो सकता है जैसे येस्ट हो हाउस फ्लाई हो पारामेशियम किसी तरह का एंड ईच सक्सेसिव जेनरेशन इज मोर न्यूमेरस देन द प्रसिडिंग वन एंड द पिरामिड विथ ब्रॉड बेस इसको बोलते हैं ठीक है बेलसेप्ड कर्व बैलेंस्ड पॉपुलेशन को शो करता है स्टेबल पॉपुलेशन को शो करता है इसी को मैंने यहाँ पे स्टेबल यह ये दिखाया ये जो पिरामिड शेप है ना पिरामिड शेप को अगेन दो पार्ट में हम यहाँ बांट सकते हैं एक रैपिड ग्रोथ और एक स्लो ग्रोथ ठीक है और ये स्टेबल और ये श्रिंकिंग पॉपुलेशन या अर्न शेप बताते हैं अभी कि बेल से पहले देखें मॉडरेट मौड, पॉपुलेशन ऑफ यंग टू ओल्ड यंग टू ओल्ड जो है मॉडरेट पॉपुलेशन होगा और रेट और एंड रेट ऑफ ग्रोथ बिकम्स स्लो एंड स्टेबल होगा इसमें ठीक है

पॉपुलेशन का कम है और सबसे ज़्यादा पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले मिलेंगे ठीक है प्री सबसे कम प्री रिप्रोडक्टिव उससे थोड़ा ज्यादा पोस्ट रिप्रोडक्टिव और सबसे कम आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव मिलेंगे दैट्स वाई इट इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ये निशानी है लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स इसमें मिलेंगे एंड इफ बर्थ रेट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड द प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप डिंडल्स इन प्रोपोर्शन टू अदर ग्रुप एंड इट रिजल्ट इन एन ऑन सेप्ड फिगर में रिजल्ट करेगा नाउ तो ये स्टेबल और सरिंकिंग पॉपुलेशन तो समझ में आया ये हमने पहले आप बताया कि पिरामिड सेप्ड होगा ना तो ये आपका इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में अगर ये स्लोप इस तरीके से आप देख रहे हैं स्ट्रेट देन दिस इंक्रीज विल भी स्लो स्लोली इंक्रीज करेगा लेकिन अगर ये आप स्लोप uh, अगर आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन के जगह ये स्लोप आपको मिल रहा है दिस वन इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बट द इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज इज फास्ट यानी कि रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को ये शो करेगा तो ये डिफरेंस एक समझने की जरूरत है ओके नेक्स्ट इज बायोटिक पोटेंशियल एंड एन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस अभी बायोटिक पोटेंशियल के बारे में पूछे हमने पढ़ा कि मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज इन नंबर उसी को हम लोग बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी टू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज इन नंबर और इसको आर से हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से ठीक है नाउ बायोटिक पोटेंशियल रियलाइज वेन इनवायरमेंटलिटी इज मच मोरिटीमेंटलेशन में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सिग्मोड कर्व है यह क्या है रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है सपोज एक न्यूट्रिय मीडियम में बैक्टीरिया को रखा मैंने और वो रेपिडली ग्रो करेगा रेपिडली ग्रोथ करते जाएगा जब तक न्यूट्रिएंट मीडियम में उसके लिए न्यूट्रिएंट है तब तक वो ग्रो करेंगे नंबर इंक्रीज करेंगे शुरू में ही हमने पढ़ा है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट तो आप ग्रोथ बोलिए या रिप्रोडक्शन बोलिए दोनों सेम चीज है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए क्योंकि तो अगर उसमें ग्रोथ हो रहा है यानी एक सेल से डिवाइड से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक सेल से दो सेल बनेगा नंबर में भी इंक्रीज़ हो रहा है तो ग्रोथ का मतलब क्या है ग्रोथ का मतलब इंक्रीज़ इन नंबर से है इंक्रीज इन मास से है ठीक है आ, तो इंक्रीज़ इन साइज से भी है तो वो हो गया आ, ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ रेट का मतलब यहाँ इंक्रीज़ इन नंबर से भी है तो ये इंक्रीज किया और अचानक से यहाँ आते आते अगर <coughs> मीडियम खत्म हो गया तो ड्रास्टिकली ये डिक्लाइन करके जीरो पे आ जाएंगे ठीक है तो अल्टीमेटली इसका जो ग्रोथ है उसको रेस्ट्रिक्ट कौन कर रहा है रिसोर्सेज राइट रिसोर्सेज कहाँ हैं इन्वायरमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज इन्वायरमेंट में तो एच एवरी एन्वायरमेंट हैज़ अ कैपेसिटी उसको ढोने की कैपेसिटी है कि हम इतना से ज़्यादा बोझ नहीं ढो सकते हैं, इतने से ज़्यादा लोगों को नहीं खिला सकते हैं ठीक है परिवार भी उतना ही बड़ा रखिए जितना खिला सकते हैं तो ये बायोटिक पोटेंशियल इज रियलाइज व्हेन इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल एंड द रेट ऑफ नेटेलिटी इज मच मोर देन रेट ऑफ मोर्टैलिटी नाउ द इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस मेक अ चेक चूँकि रिसोर्सेज हम लोग कहाँ से यूटिलाइज करें इन्वायरमेंट से तो इन्वायरमेंट पुट अ चेक

so the environmental resistance present the limiting effect of biotic and abiotic factor which don't allow the organism to get their biotic potential and keep the population size at a lower level okay? next is carrying capacity the maximum number of individuals of population that can be sustained indefinitely in a given habitat represents its carrying capacity Matlab, kya hai? कि ये यहीं तक का कैरी करना था यहाँ तक कैरी नहीं ये तो क्या हुआ कि यहाँ पे सारा का सारा रिसोर्सेज डिप्लेट कर गया है राइट डिप्लेट कर गया तो ये सब के सब मर जाएंगे हम ये जो लॉजिस्टिक और रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ की बात करते हैं ये एक्सपोनेंशियल और अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ की बात हो रही है अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ में क्या है कि हमने यहाँ पे मारा नहीं है ये सीधे यहाँ पे कर्व क्या शो कर रहा है कि ये इनफाइनाइटली ये सीधे की ओर जाएगा ट इज अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ बट लॉजिस्टिक ग्रोथ और या रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ में देखिए कि ये जैसे कर्व लेते लेते फिर फ्लैट हो गया है अब यहां से ये फ्लैट होके जाएंगे ऐसे तो ये जो कर्व आपका शो कर रहा है कि यहां से आपको इनक्रीज नहीं होने दिया गया ऊपर ये नहीं होने दिया गया यानी यहीं तक रह जाने का ये हो गया आपका मैक्सिमम कैरियंग कैपेसिटी के को डिनोट करेगा ठीक है

पॉपुलेशन ग्रोथ इज exponential एंड आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू पॉपुलेशन may सडनली crash. ठीक है जेसेप्ट में हमने पीछे क्या देखा जेसेप्ट यही है अचानक से यहाँ बढ़ा पॉपुलेशन और इसके बाद क्या होगा यहां से क्रैश कर जाएगा क्यों क्योंकि अचानक से यहाँ पे रिसोर्सेज हैं वो डिप्लेट कर गए राइट right? तो

और एस सिप्ड ग्रोथ शोज एन इनिशियल ग्रेजुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज शुरू में देखिए ये एस सिप्ड का है इंक्रीज तो शो कर रहा है उसके बाद क्या हुआ ये फ्लैट हो जाता है फॉलोड बाय एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देन ग्रेजुअल डिक्लाइन टू वन नियर कांस्टेंट वैल्यू ग्रेजुअल डिक्लाइन होते होते नियर कांस्टेंट वैल्यू पे आ गया राइट right? तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं डीएन अपॉन डीटी इज इक्वल टू आर इन एन के माइनस एन अपॉन के इज इक्वल टू फिर उसी को हम यहाँ पे आर एन वन माइनस एन अपॉन के तो इसमें जो है एन फॉर टोटल नंबर हो गए आर क्या है के uh, हो गया आपका कैरिंग कैपेसिटी ठीक है तो ये सब यूजुअल जो पीछे मैंने बताया यहाँ समझने की बात क्या है ये इन्वामेंटल रेसिस्टेंस देखिए अगर ये इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस पोज नहीं होता पार्ट इज नोन एज इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस का पार्ट है ये राइट right? ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये आपका इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस पोज किया जा रहा है अगर ये इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस पोज नहीं होता देन इट विल ऑल्सो बी अफ्टोटिक पोटेंशियल को शो करता ठीक है और जे सेफ कर्व को शो करता लेकिन ये इन्वायरमेंट के द्वारा रेसिस्ट करके इस ग्राफ को ऐसे फ्लैट कर दिया गया कि बस अब इससे आगे नहीं बढ़ना है तो दिस फ्लैट कर्व का जो ये है ना, दिस कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी, राइट ठीक है अब इस कैरिंग कैपेसिटी में हमको लास्टली ये जानने की कोशिश करना है यस देखिए कैरिंग कैपेसिटी जो जिससे क्वेश्चन आने की संभावना है वो सब तो सिंपल था कैरियंग uh, कैपेसिटी तक था फार्मूला वगैरह एज इट इज़ लेकिन अब जो ये पॉपुलेशन में हम लोग पढ़ते हैं ये कैरिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन साइज ओवर टाइम तो ये कैरिंग कैपेसिटी तक तो आया लेकिन ये कैरिंग कैपेसिटी में जो हम अभी दूर से जो ग्राफ देखते हैं कि ये जाके फ्लैट हो गया दैट इज़ नॉट करेक्ट यहाँ भी फ्लक्चुएसन्स होते रहते हैं यहाँ पे क्या है कभी ऑप्टिमम uh, कंडीशन मिला तो बढ़ गया कभी एडवर्स uh, कंडीशन मिला तो घट गया पॉपुलेशन का साइज इस तरीके से बढ़ते घटते रहेंगे तो ओवरऑल हम इसको कांस्टेंट फ्लैट मान के चलते हैं नाउ यही ग्राफ को अगर हम और माइन्यूटली बारीकी से प्लॉट करें तो इस तरीके से इसमें आपको मिलेंगे ये आपका कैरिंग कैपेसिटी है ए ठीक है आर क्या था एन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस था चलिए तो ये कैरिंग कैपेसिटी है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद थोड़ा सा फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिला ये नंबर यहाँ कैरिंग कैपेसिटी से और बढ़ा लिया बढ़ाने को जो यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ा इसी को हम लोग बोलते हैं टर्म बोलते हैं जिसको ओवर शूट पॉइंट टू बी नोटेड ठीक है उसके बाद यानी कि ये आप जो एक वेव बनाइए तो वेव में क्या है रेस्ट एंड ट्रफ राइट तो ये जो क्रेस्ट आपका शो कर रहा है ना जहां से एम्पलीट्यूड मापते हैं हम लोग तो ये ओवरशूट को बता रहा है कि फेवरेबल इन्वायमेंटल कंडीशन में ये इंक्रीज कर जाएंगे और अनफेवरेबल कंडीशन में एडवर्स कंडीशन में फिर क्या होगा ये नीचे आ जाएगा डिक्लाइन कर जाएगा ये डाई ऑफ को शो कर रहा है ठीक है तो डाई ऑफ सिर्फ यहां से नहीं चूंकि यहां से बढ़े थे तो ये या जो हां यहां से जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे जितना डिक्रीज कर गया यानी वो डाई ऑफ कहलाएगा राइट तो हम ये देख रहे हैं कि इस कंडीशन में इसका फ्लक्चुएशन यहां से लेकर के यहां तक हो रहा है राइट क्रेस्ट से लेकर ट्रफ तक ठीक है और इसी को इस टर्म को हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल डज इट मीन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ठीक है नाउ ये जो कहानी है क्या है कि आप देखिए इस फिगर में कि धीरे 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 ये क्या हो रहा है डिक्लाइन भी हो रहा है डिक्लाइन करने का मतलब क्या है कि पहले कैरिंग कैपेसिटी ये था और ये अब कैरिंग कैपेसिटी यहां से आपका ये आ गया ठीक है कैरिंग कैपेसिटी यहां आ गया ठीक है तो ये हमको जानना है कहता है कि कैरिंग कैपेसिटी है क्या इट इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन अ रीजन दैट द कैन सपोर्ट सस्टेनेबली ओवर शूट अकस वेन द पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सीड्स द कैरिंग कैपेसिटी लीडिंग टू अ डाई ऑफ फॉर द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज द फ्लक्चुएशन ऑफ द पॉपुलेशन एबव एंड बिलो द कैरिंग कैपेसिटी चेंजिंग बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी पे अच्छा हाँ कोरोना बिल्कुल कोरोना कॉज तो कर रहा है ट्रफ़ को अब सुनते हैं कि उससे इन्वामेंट पॉल्यूशन लेवल बहुत घट गया है और यहाँ से शायद वो जमशेदपुर से आप खड़े होकर किसी आर्टिफिशियल पहाड़ पे खड़े होकर देखें तो शायद हिमालय पर्वत भी नज़र आ रहा है आजकल इतना क्रिस्टल क्लियर स्काई हो गया है राइट right. तो कल के डेट में वैक्सीन लेंगे तो इट विल मेक कॉज ओवर शूट कंडीशन पॉल्यूशन फ्री होना वैक्सीनेट हो जाना hmm. तो उस कंडीशन में ओवर शूट के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए चलिए तो हाँ डिग्रेडेड कैपे ये जो है ना ये टर्म डिग्रेडेड कैरिंग कैपेसिटी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये है डिग्रेडेड कैरिंग कैपेसिटी तो हमने पढ़ा है डिग्रेडेड कैरिंग कैपेसिटी मे बी ड्यू टू रिसोर्स डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एन ओवर शूट कैरियंग कैपेसिटी इज नॉट स्टैटिक तो याद रखिएगा कि कैरिंग कैपेसिटी भी स्टैटिक नहीं होता है कभी ये ओवर शूट हो ओवर शूट हो गया इट मीन्स कि ओवरशूट कब होगा इन्वायरमेंटल कंडीशन कंड्यूसिव होने के समय और तब क्या होगा उस कंडीशन में इन रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन ज़्यादा होंगे डाई ऑफ हुआ तो नो डाउट कि रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन कम होंगे लेकिन ड्यू कोर्स में अगर ओवरशूट ये फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं तो आ, क्या होगा कि उस कंडीशन में आपका जो रिसोर्सेज <coughs> हैं उसका डिस्ट्रक्शन होगा और कैरिंग कैपेसिटी पहले से डिक्लाइन कर जाएगा उसी को हम लोग टर्म देते हैं डिग्रेडेड यानी कि होना था ये कैरिंग कैपेसिटी लेकिन अभी कैरिंग कैपेसिटी यहाँ आ गया दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेड कैरिंग कैपेसिटी चलिए तो ये सारे क्वेश्चन इससे पॉसिबल हैं जल्दी से आप देखें इकोलॉजिकल लास्ट टॉपिक इसका इकोलॉजिकल इकोलॉजिकलॉप्ट अडाप्टेशन है जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं कैमो फ्लैग और क्रिप्टिक अपीयरेंस की बात करते हैं मिमिक्री uh, वर्ड <coughs> पढ़ते हैं मिमिक्री क्या है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप वन और मोर ट्रेट्स ऑफ एन अदर ऑर्गेनिजम्स सो दैट इट कैन ऑप्टेन सो सम बेनिफिट ठीक है ये लकड़ी आप देख रहे हैं वुड और ये इंसेक्ट है ठीक है मिमिक किया हुआ यहाँ भी आप इंसेक्ट और लीफ का देख रहे हैं कि एकदम लीफ लाइक -like है कैमोफ्लेक क्या है मिमिक्री एक एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप वन और मोर ट्रेड्स एन अदर ऑर्गेनिज्म सो दैट इट कैन ऑप्टेन सम बेनिफिट एंड कैमो इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ टू बी अनोटिस्ड बाई इट्स प्रीडेटर्स बाई डिस्ट्रप्टिव कलरेशन दैट अलाउ इट टू हाइट राइट तो ये जो कैमो है ना क्या हुआ सिंपली हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिजम्स की ये एबिलिटी कि वो इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से कैसे मिक्सअप होता है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ऑर्गेनिजम अडेप्टेड टू रिमेन अननोटिस्ड फॉर प्रोटेक्शन और एग्रीगेशन फॉर एग्जांपल इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश लीफ लाइक ग्रास हुपर फ्रॉम सराउंडिंग फोलियर्स ठीक है जैसे इस फिगर में देख रहे हैं और इंसेक्ट्स मैमल्स ये सब के सब उसका यूटिलाइज करते हैं मिमिक्री फिनोमिन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइज इट्स फॉर्म अपियरेंस स्ट्रक्चर और बिहेवियर एंड रिजेंबल्स विथ एनअर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सो एज टू एस्केप प्रीडेटर्स नोटिस नोटिस और टू इनक्रीज द चांस ऑफ कैप्चरिंग द प्री दोनों के लिए हम लोग कर सकते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रिजेंबलेंस बियर करेगा अपने सराउंडिंग से उस ऑर्गेनिजम को हम लोग मिमिक बोलेंगे एंड द ऑर्गेनिज्म और या सराउंडिंग से जिस सराउंडिंग के जिस पार्ट से वो जिस स्ट्रक्चर का वो रिजेम्बलेंस हो किया उसको हम लोग मॉडल बोलेंगे ठीक है तो ये जो मिमिक्री होता है ना ये दो तरह का होगा प्रोटेक्टिव एंड एग्रेसिव मिमिक्री राइट प्रोटेक्टिव मिमिक्री एम्प्लॉयड बाय अ प्रे टू डिफेंड इट फ्रॉम द प्रीडेटर बचने से 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 बचने के लिए ये इंप्लॉय करता है प्रोटेक्टिव और ये भी दो तो तरह का होगा काउंसिलिंग और क्रिप्टिक अपियरेंस या फिर बैटेशियन मिमिक्रीज को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म रिजेंबल्स द सराउंडिंग्स सो दैट इट कैन नॉट बी इजीली डिटेक्टेड बाई देयर रिडेटर एंड इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द प्रे राइट एग्जाम्पल इसका है स्टिक इंसेक्ट कैरेसियस मोरसस जो कि ड्राई ट्विक की dry के तरह पीछे फिगर मैंने दिया वो रिजेंबल uh, करता है प्रेइंग मैंटिस मैंटिस रेलीजियोसा एंड लीफ इंसेक्ट पाइलियम प्रॉन्डोसम लुक लाइक ग्रीन लीफ की तरह दिखेगा ओक लीफ बटरफ्लाई है कलीमा पैरोलैक्टा जो कि ड्राई ओक लीफ की तरह रिजेंबल करता है तो ये पहला है क्रिप्टिक अपियरेंस का दूसरा हमने वार्निंग टाइप या बोरेसियन मिमिक्री बोलते हैं तो ये क्या करेगा ना इट विल रिजेंबल डिस्टेस्टफुल और पॉइजनस ऑर्गेनिज्म को रिजेंबल uh, करेगा दैट्स ये वार्निंग प्रोड्यूस करेगा कि भाई खाओगे तो पॉइजनस हम देख रहे हैं जहर से मारे जाओगे ये डिस्टेस्टफुल टेस्टी लगेगा ही नहीं जैसे कि स्टिक वाइसर ऑय बटरफ्लाई बॉसी लाड़किया अ पैलेटेबल स्पेसीज रिजेंबल्स विथ अ डिस्टेस्टफुल मोनार्च बटरफ्लाई टूनास तो फ्लेक्सिपस, इसका फिगर भी होगा ये देखिए मोनार्च बटरफ्लाई की तरह ये वाइसराय भी जो है ना इसको रिजेंबल करेगा ठीक है उसी तरीके से एरिजोना वाइसराय है वो द क्वीन के मिमिक्री करेगा नेक्स्ट इज मि, मुलेरियन मिमिक्री वेन मिमिक्स दे आर द सेम डिफेंसिव मैकेज मॉडल ठीक है सेम डिफेंसिव मॉडल की तरह ही वो मिमिक करेगा आ, ज, जैसे इसका मोनार्च एंड क्वीन बटरफ्लाई भी इसका एग्जांपल है लुक सिमिलर एंड आर डिस्टेस्टफुल और इसमें जो मोलेरियन में आप देखिए ओवरफ्लाई एंड वैस्ट ओवरफ्लाई मिमिक करेगा वैस्प का क्या है ये बिल्कुल अलग अलग फैमिली है ओवरफ्लाई सिरफिडी का है और फैमिली का ये है मेंबर है और ये वास्पिडी फैमिली का मेंबर है जनरली ये नॉन टॉक्सिक होता है और क्योंकि इसमें स्टिंगर नहीं होता है तो ये मिमिक करेगा वैस्प का जो कि टॉक्सिक और पेनफुल स्टिंगर होता है तो प्रीडेटर इसका जो है अगर आएगा इसको खाने ओवरफ्लाई को तो ये मिमिक करेगा किसका वैस्प को भाई खाओगे तो मारे जाओगे या डिस्टेस्टफुल लगेगा राइट right? नेक्स्ट आता है एग्रेसिव एग्रेसिव में इम्प्लॉयड बाय प्रीडेटर सो एज टू रिजेंबल अ हार्मलेस ऑर्गेनिज्म टू डिसीव द पोटेंशियल प्रे ठीक है हार्मलेस ऑर्गेनिज्म का एग्रेसिव में प्रीडेटर क्या करेगा कि वो अपने आप को भोला भाला साबित करेगा कि ताकि प्रे उसके पास आए और प्रे ये समझ ये करे ये समझे कि भाई ये हमको खाएगा नहीं और जैसे ही उसके विसिनिटी में आया प्रीडेटर प्रे को खा जाएगा और ये दो तरह का हो सकता है कैसे वो बुलाएगा प्रेट को अपने पास आने के लिए मजबूर करेगा बाय काउंसिलिंग और बाय एल्यूरिंग ठीक है जैसे काउंसिलिंग में क्या है प्रीडेटर कैमोफ्लैग्स सो दैट इट रिमेन अननोटिस्ड बाय द प्रे एंड द लेटर इन एडवर्टेंटली कम्स इन स्ट्राइकिंग रेंज ठीक है प्रीडेटर क्या है कि सराउंडिंग से कैमोफ्लैक किए हुए हैं और प्रे जो है ना वो बिना समझे कि वहाँ पे कोई मेरे लिए खतरा है वो वहाँ पहुँच जा रहा है और उसकी वििसनिटी में आया और स्ट्राइकिंग रेंज में इट विल बी कैप्चर्ड जैसे प्रेइ मैंटिस मैंटिस रेलिजियोसा इज नॉट नोटिस्ड इन द ग्रीन फोलियज बाय द प्रे ये ग्रीन फोलियज में नोटिस नहीं होता है ठीक है उसी तरीके से दूसरा है आपका एलियोरिंग एल्यूरिंग प्रे बायिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू द प्रे इंटरेस्ट का कोई ऑब्जेक्ट को वो रिजेंबल करेगा और प्रे उसके तरफ भागा दौड़ा फिरा चलाएगा जैसे कि आप यहाँ पे एक देखिए ये माउथ कॉर्नर ऑफ अफ्रीकन लिजार्ड रिजेंबल्स अ फ्लावर वोरस स्पाइडर रिजेंबल्स एन ऑर्किड फ्लावर ये फ्लावर की तरह को अपने आप को रिजेंबल कर रहा है इसका माउथ का कॉर्नर और इंसेक्ट यहां पे आएगा ये फ्लावर समझ के नेक्टार चूसने और ट्रैप हो जाएगा दिस इज द दिंग वन। ओके तो ये था अब लास्ट जो इसका टॉपिक एक है दैट इज कॉल्ड को इवोल्यूशन को इवोल्यूशन क्या है इल्यूशन का मतलब होता है इट डिस्क्राइब्स अ चेंज इन द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन और मोर स्पेसीज इन रेस्पॉन्स टू अ चेंज इन द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनदर ठीक है एक स्पेसीज का के जेनेटिक कैरेक्टर में वो चेंज होना वो किसके रिस्पॉन्स में जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अदर ऑर्गेनिज्म के रेस्पॉन्स में दैट इज कॉल्ड को इवोल्यूशन एंड इट इज अ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट वेयर टू ऑफ मोर स्पेसीज अफेक्ट ईच अदर इवोल्यूशन रेसिप्रोकल एक दूसरे को म्यूचुअली ये अफेक्ट करेगा इवोल्यूशन को <coughs> मतलब ये हम यही बताएंगे कि ये जन्म जन्म का साथ वाला हाल है कि जैसे हर को आप देखिए तो लगता है कि वो प्लांट के लिए ही बना है प्लांट खाने के लिए ही बना है या प्लांट्स को देखिए तो लगता है कि वो हर्विवोर्स के डाइट के लिए ही बना है पॉलिनेटर्स एंड प्लांट्स के बीच का ये दोनों एक दूसरे से को इवॉल्व है प्रीडेटर्स एंड प्रे पारासाइट्स एंड होस्ट राइट तो को इवोल्यूशन इज फ्रिक्वेंटली सीन इन पेयर्स ऑफ स्पीसीज दैट इंटरैक्ट फ्रिक्वेंटली ऑफ क्लोजली फॉर एग्जाम्पल ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग इकोलॉजिकल इंटरैक्शन में ये सब के सब आते हैं तो so, ये आपका कोइवोल्यूशन है इसको दूसरे टर्म में ये बोलेंगे कि चेंज इन वन स्पेसीज एक्ट एज अ न्यू सेलेक्टिव फोर्स ऑन अनदर स्पेसीज ठीक है इसमें एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि अगर फास्टेस्ट फॉक्स को लें इफ ओनली द फास्टेस्ट फॉक्स इन द फॉक्स पॉपुलेशन आर एबल टू कैच रैबिट्स उस कंडीशन में क्या होगा कि वही फॉक्स सर्वाइव करेंगे जो फास्टेस्ट रनर होंगे लेकिन सेवरल जेनरेशन के बाद उसमें से आ, सर्वाइव करेंगे और स्लो रनर जो होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे राइट अगेन आफ्टर सेवरल जेनरेशन फॉक्स पॉपुलेशन हैज बिकम फास्टर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फास्टर पॉपुलेशन का सिलेक्शन हुआ तो आगे का जो जनरेशन होगा कुछ जेनरेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ फास्टर पॉपुलेशन रह जाएंगे ठीक है उसी तरीके से अगर रैबिट्स की बात करें तो स्लोअर रैबिट्स जो होंगे वो नियरली ऑल कंज्यूम्ड हो जाएंगे पहले बिकॉज दे आर रियली इजी फॉर द फास्टर फॉक्सेस टू कैच एंड ओनली द फास्टेस्ट रैबिट सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू रिप्रोड्यूस एंड आफ्टर सेवरल जेनरेशन द रैबिट पॉपुलेशन हैज बिकम इवन फास्टर एज अ रिजल्ट ओनली द फास्टेस्ट ऑफ द फास्ट फॉक्सेस विल सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू रिप्रोड्यूस राइट तो दिस इज कॉल्ड को इवोल्यूशन ठीक है तो दिस इज द एंड ऑफ टूडेज टॉपिक कल फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास